चलो भाई फटाफट रिव्यू कर लेंगे और फिर स्टार्ट कर देंगे अपनी तैयारी ऑडिट की। क्या बोलता है पब्लिक? जस्ट एक बार कंफर्म कर दो। ऑल वेल दिख रहा है सब? 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा मैं आप लोग का। चलो भाई क्विक 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 फटाफट डिस्कशन रिव्यू करके कर वी विल रैप इट। तो चलो कैसा रहा पेपर वो फटाफट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ओवरऑल जनरल पेपर जो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर रिव्यू लिया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। तो वो रिव्यू के हिसाब से इफ इफ आई जस्ट चेक देन इन दैट केस 65% आर सेइंग डिफिकल्ट एंड वेरी डिफिकल्ट एंड बाकी लोग बोल रहे हैं अबव एवरेज। हार्डली कुछ लोग बोल रहे हैं 10% बोल रहे हैं इजी। सो आई थिंक गोइंग विद दिस ट्रेंड मोर देन 2000 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इसको इसको वोट भी कर दिया है। चलो सो लेट्स स्टार्ट क्विकली द रिव्यू ऑफ एसएफएम। तो मैंने क्या किया यहाँ पे फटाफट आप लोगों को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है। सो पेपर ओवरऑल अकॉर्डिंग टू मी, देखो मैं पेपर जब तक लिखूंगा नहीं ना मैं कमेंट नहीं करूंगा बिकॉज आई नो स्टूडेंट लेवल पे क्या होता है। तो कई बार पेपर देख के लगता है अरे ये तो कितना ईजी है बट वो जब लिखने बैठते हैं तब पता चलता है यार कितना लेंदी था, ये इश्यूज थे, ये पॉइंट्स थे। सो आई टोटली अंडरस्टैंड विद ऑल ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है चलो अभी ऑन दैट नोट मैं ये डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं गाइस। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, भाई क्या हो गया इंस्टीट्यूट को? लास्ट अटेम्प्ट में भी इतना पूछा था, ये अटेम्प्ट में भी वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज 27 मार्क्स, मतलब आप समझ रहे हो 1/5 ऑफ द पेपर ये वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज खा गया। और फॉर ये बोल रहे हैं वो 10% ही पास होने वाले जिनको इजी लगा, ऐसा कुछ नहीं है साहिल। ठीक है ना, पब्लिक के दिखाने के दांत कुछ और होते हैं और खाने के दांत कुछ और होते हैं। सो डोंट ट्रस्ट ऑन दोज पीपल। कुछ लोग तो टाइम पास के लिए भी इजी डाल देते हैं लोगों को डराने के लिए। सो इसके लिए डोंट 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 हैपन विद दैट। मैंने पेपर देखा है, पेपर वॉज अबव एवरेज। मैं पेपर को अबव एवरेज के कैटेगरी में पुटअप करूंगा। फॉरेक्स कितना बड़ा यार ये तो, मतलब क्या बोलू मैं यार, खाली 6 मार्क के लिए वो लोग ने फॉरेक्स पूछा, ज्यादा मार्क्स के लिए पूछना चाहिए था। डेरिवेटिव्स भी मेरे हिसाब से ना 8 मार्क का ही था, एक 4 मार्क का खाली क्वेश्चन वो लोग ने पूछा है डेरिवेटिव्स का, वो एंड में थ्योरी क्वेश्चन है। थ्योरी बॉस अच्छा हुआ वो 15 मिनट 15 पेज का मैंने थ्योरी डाला बिकॉज आई थिंक उसमें से काफी अच्छा एक क्वेश्चन आ गया। और हर अटेम्प्ट में वो लोग अभी मेन क्वेश्चन के साथ थ्योरी डाल रहे हैं तो प्लीज डू नॉट इग्नोर थ्योरी इज वॉट आई वॉन्ट टू से। 16 मार्क्स पोर्टफोलियो वेरी गुड एंड गुड क्वेश्चन IRRM का अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा लगा मुझे। 8 मार्क्स स्टार्टअप का ऊपर, 4 4 मार्क के दो दो क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने। IFM का आई थिंक मैनेजेबल क्वेश्चन था। म्यूचुअल फंड का लेंदी क्वेश्चन यार, वो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट एंड बोनस प्लान वाला वो लोग ने क्वेश्चन पूछा। सो आई थिंक ठीक है। यस सो सम क्वेश्चन वेरी इजी, श्वेता अग्रवाल सही बोल रही है, सम क्वेश्चन वेरी इजी एंड सम क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का, दैट्स ओके। फिर बाद में आता है सिक्योरिटाइजेशन, इसका इजी था वो PTC का क्वेश्चन, बट आपको आना चाहिए कि भाई PTC में क्या होता है और पास थ्रू सिक्योरिटीज में क्या होने वाला है आप लोग का, वो चीज आपको आनी चाहिए। सो अगेन वो थ्योरी सुना होगा तो यू वुड नो इट। यस आई ऑल्सो से इट इज अबव एवरेज पेपर एंड इट वॉज रिक्वायर्ड। SFM कुछ ज्यादा ही इजी पूछ रहे थे वो लोग, तो अभी अबव एवरेज थोड़ा अपने को अपना लेवल बढ़ाना चाहिए। आई एम हैप्पी कि इंस्टीट्यूट ने एक अबव एवरेज पेपर पूछा, मैंने प्रिडिक्ट भी किया था एंड हैप्पी दैट इट इज एन अबव एवरेज पेपर। ऑल पेपर शुड बी ऑफ दिस लेवल, अब एवरेज अबव एवरेज लेवल का होना चाहिए तो लगेगा हाँ भाई CA फाइनल का एग्जाम पेपर क्लियर किया है बस। चलो रिस्क मैनेजमेंट में वार का, व्हाट अ सुपर्ब क्वेश्चन, नाइसली फ्रेम क्वेश्चन। मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, ऊपर ऊपर से देखा, इट वॉज अ गुड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस थोड़ा अगेन यूजुअली क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ये बार वो लोग ने एकदम लास्ट में पूछा है, ऑलमोस्ट इग्नोर किया है। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन को वो लोग ने ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया है। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड्स एंड पोर्टफोलियो, ये जो मेरे जिसको मैं फेज 1 बोलता हूँ, खाली उतना भी कोई आदमी करके जाए तो 40 तो उसको आ जाएगा। 27 + 12 = 39 + 16 55 मार्क्स, तो ये फेज 1 में से ही आ गया। फॉरेक्स डेरिवेटिव सबसे बड़ा आई कैन से टर्न ऑफ नवंबर 23 में जिसका भी अटेम्प्ट है बॉस, फॉरेक्स डेरिवेटिव में आपको बता रहा हूं कम से कम 30 मार्क्स का आने वाला है, अभी से मेरे से लिख के ले लो। यस 100% आई एम श्योर बिकॉज ये बार एक्सपेक्टेड था बट आई डोंट नो क्या हो गया इंस्टीट्यूट को, खैर जो भी है वी हैव टू एक्सेप्ट इट। सिक्योरिटाइजेशन वाला इजी था जो चीज, आई थिंक आप लोग ने कर लिया रहेगा यहाँ पे। ये देखो मैंने क्वेश्चन वाइज इधर डिस्कस कर लिया है। फॉरेक्स का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा तो मुझे लगा चलो भाई ये बार लगता है फॉरेक्स पूछने वाले हैं, बट ऐसा कुछ था ही नहीं। ओवरऑल मैं अगर यहाँ पे पेपर को डिस्कस करता हूं 2 मिनट में आप लोग के साथ फटाफट, टाइम अपने पास बहुत कम है, तो ये क्वेश्चन बायबैक का क्वेश्चन था बॉस, बट इजी नहीं था।
दिमाग लगाना इसमें, मतलब मैं जब स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन देखा मुझे लगा अरे वाह बायबैक का वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज का क्वेश्चन, बट इट वाज नॉट इजी। दो तीन पॉइंट्स इसमें बहुत ट्रिकी है, ठीक है। एग्जाम के बाद मैं आप लोग को ये सॉल्व करवाऊंगा, मतलब मेन आप लोग का ग्रुप वन या ग्रुप टू का मेन एग्जाम्स हो जाएगा, उसके बाद ये सॉल्व करूंगा। इट वॉज अ नाइस क्वेश्चन, जो टिपिकली पिक्ड अप क्वेश्चन है वैसा नहीं था ये। दिस वॉज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नो हेज के हिसाब से आपको करना था, सो आई थिंक इजिली मैनेजेबल। कल मैंने ना एक थियोरी डाला है, उसमें ना स्वॉप्शंस के बारे में बताया है, दो क्वेश्चन मैंने स्वॉप्शंस के बारे में डाले, तो ये स्वॉप्शंस आ गया, सो आई होप ये आप लोग ने कर लिया होगा बराबर से, ठीक है। यस, अबव एवरेज पेपर ओवरऑल, आई अग्री। अगेन ये वार का क्वेश्चन, नॉट इजी, वेरी नाइसली फ्रेम क्वेश्चन, एग्जाम के बाद इसको भी डिस्कस करना बनता है। टू बी आई थिंक मैनेजेबल, यहाँ पे आप लोग को वो स्टेबल ग्रोथ और वो चीज करना है, सो जो क्वेश्चन पूछा है वो इजी का इजी है, जो डिफिकल्ट है वो एकदम डिफिकल्ट है यार। चलो फिर पे थ्रू सिक्योरिटीज, आई थिंक ये देखो अगर आपको लॉजिक आता होगा पे थ्रू और पास थ्रू का, पास थ्रू सर्टिफिकेट्स एंड पीटीएस एंड पीटीसी, तो आपको समझ जाएगा कि भाई पे थ्रू में डायरेक्टली पूरा का पूरा जो इन्वेस्टर है उसको पैसा मिल जाता है, और पास थ्रू सर्टिफिकेट्स में अपन जितना उसको ड्यू है उतने देते हैं, बाकी का अपन अपने पास रखता है और बैंक उसको एसपीबी उसको इन्वेस्ट करता है, याद हो अगर आपको तो। यस, रिस्क मैनेजमेंट का ये जो क्वेश्चन था 2A का, वेरी नाइस क्वेश्चन बॉस, नॉट इजी टू सॉल्व, सो लेंदी भी था। फिर बाद में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3A, ये आई थिंक मैनेजेबल था, प्राइमा फेसी मेरे को मैनेजेबल लग रहा है, मुझे नहीं पता, मैंने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया, तुम लोग मुझे बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसा था, 3A का IRRM का क्वेश्चन कैसा था, सब लोग को बता दो गाइस, इतने सारे लोग ऑनलाइन हो तुम लोग, ओवरऑल IRRM का क्वेश्चन कैसा था, मैंने सॉल्व नहीं किया है, प्राइमा फेसी मुझे इजी लग रहा है, बट आई डोंट नो वेदर इजी था कि नहीं। पीपल आर सेइंग 6B में एरर है, आई विल जस्ट चेक, मैंने पूरा देखा नहीं है। फिर बाद में यहाँ पे आई थिंक दिस वाज अ क्वेश्चन ऑन डेरिवेटिव्स, आई थिंक इजी क्वेश्चन, आराम से इजीली मैनेज हो जाएगा अगर आपको लॉजिकली चीजें आती है तो। फिर बाद में व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर नंबर 1 का थियरी क्वेश्चन, अगेन मेरी थियरी नोट्स में है ये, 15 मिनट्स वाले, 15 पेज वाले। ओके चलो ठीक है, पब्लिक बोल रहा है मैनेजेबल है IRRM का क्वेश्चन, कोई बोल रहा है नवंबर 20 का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, सो आई थिंक प्राइम ऑफिस, मुझे भी IRRM इजी लग रहा है, मैनेजेबल लग रहा है, सो आई थिंक सही है। हरप्रीत जी हो जाएगा, डोंट वरी। फिर बाद में यहाँ पे ये क्वेश्चन है यील्ड टू मैच्योरिटी का, बॉन्ड का वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का, एज एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आना ही है, इट वाज अ डिसेंट क्वेश्चन। अगर आप लोग ने मेरा मैराथन देखा है तो कैसे अपन लोग ने ड्यूरेशन वोलेटिलिटी यील्ड टू मैच्योरिटी कैलकुलेट किया है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये IFM का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आई थिंक दिस ऑल्सो वॉज मैनेजेबल, अगर आप लोग इसको सिस्टमैटिकली सॉल्व करते जाओगे यू विल बी एबल टू डू इट। फिर पर्सनल फाइनेंसिंग, ये अपना स्टार्टअप का क्वेश्चन इजी वाला, ये देखो ये डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट बोनस प्लान का म्यूचुअल फंड का लेंदी क्वेश्चन है, इजी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है बट लेंदी क्वेश्चन है, तो थोड़ा उधर अपने को टाइम लग सकता है। दिस इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सो अगर आप लोग को जेनसेन ट्रेनर अल्फा का आता है देन इन दैट केस यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इजिली। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6A, 6A इज अ क्वेश्चन ऑन मर्जर्स इजीली मैनेजेबल, आई एम श्योर ये आप लोग ने कर लिया होगा। लोग बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6B के क्वेश्चन में अगर इश्यू है, मतलब वो लोग को लग रहा है कि कुछ वो लोग इंस्टीट्यूट की तरफ से गलती है, तो पूरा 8 मार्क मिलेगा अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो, ठीक है, प्रोवाइडेड लिया लेंथी बट इजी, आई एग्री, प्रोवाइडेड आप लोग ने अटेम्प्ट किया है और प्रोवाइडेड क्वेश्चन में गलती है तो। यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में देर आर इश्यूज, सो वो वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। कमोडिटी कैरेक्टरिस्टिक ये दोनों एकदम टिपिकल, इंडेक्स फंड इज वन ऑफ द स्पेशल फंड, ये आपका म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है, इजीली मैनेजेबल। सो ऑल इन ऑल 125 मार्क्स का, 124 मार्क्स का पेपर था, ये मैंने इधर डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है। इफ यू आस्क मी ओवरऑल पेपर वॉज अबव एवरेज, ओवरऑल पेपर वॉज अबव एवरेज एंड लिटिल लेंदी, और मैं अबव एवरेज क्यों लिख रहा हूं पता है क्या, क्योंकि अपनी आदत हो गई है SFM को बहुत ईजी गिनने के लिए, और अपने को लगता है नहीं नहीं इसमें तो आ ही जाएगा आराम से, तो इंस्टीट्यूट ने वो थोड़ा थॉट प्रोसेस चेंज किया है, प्लस आई विल राइट हियर लिटिल लेंथी, सो ये दोनों चीज मेरे हिसाब से है। दिस इज माय ओवरऑल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज, ये मार्क्स है एंड ओवरऑल पेपर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, एंड आई थिंक सिस्टमैटिकली लॉजिकली करोगे इट इज मैनेजेबल, एंड आई एम श्योर आप लोग ने अच्छा करके आए होगे। ऑडिट के बारे में अभी थोड़ा मैं बात बता दूं आपको, तो बॉस आज
अगर आप लोग के पास टाइम है और आप लोग को लग रहा है कि भाई हमको लॉ पढ़ना है, जिसका ओनली ग्रुप वन है और जिसका दोनों ग्रुप है वो SCMP पढ़ सकता है, बट प्रोवाइडेड टाइम बराबर से यूज करना, बिकॉज आपके पास ऑडिट के लिए 2 छुट्टी है। दूसरा, ऑडिट में प्रोफेशनल एथिक्स और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एकदम एक नंबर कर लेना, मैं आपको बोल रहा हूं निकल जाओगे, ठीक है। सो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, ये दोनों गेम चेंजर है। प्रोफेशनल एथिक्स में क्लॉज नंबर, शेड्यूल नंबर सब एकदम रटारट होना चाहिए, बॉस सीए फाइनल लेवल पे हो। फिर बाद में स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग भी एकदम परफेक्टली आप लोगों को नंबर्स के साथ प्रॉपरली आना चाहिए, देन इन दैट केस अपनी गाड़ी ऑडिट में निकल जाएगी, ठीक है। चलो गाइस, हाँ यस, आई सी आई सेड बाश, बहुत इसको इजी ले लिया, दैट्स राइट बिटवा, दैट्स राइट। चलो, सो ग्रेस मार्क एक्सपेक्ट मत करना, इतना डिफिकल्ट नहीं था कि ग्रेस मार्क आना चाहिए, खाली एक जो नॉर्मल नोशन है ना अपना, दैट नहीं यार पेपर तो SFM का इजी आएगा, इजीली मैं एग्जेम्पशन स्कोर कर लूंगा, वैसा नोशन टूटा है इस पेपर से, थैंकफुली आई एम हैप्पी फॉर दैट। लॉजिकली अगर आप लोग चीजें, भाई कीर्तिमान पेपर कैसा है वो बता पहले, हाँ तो लॉजिकली अगर आप लोग सॉल्व करते हो यू विल बी एबल टू मैनेज इट, एंड अबव एवरेज, लिटिल लेंथी, अबव एवरेज इसके लिए क्योंकि अपने को ऐसा लगता है कि बॉस SFM मतलब सब एज इट इज मॉड्यूल PM का ही क्वेश्चन आना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, लॉजिक स्ट्रांग रखना पड़ेगा, ओके। चलो ठीक है, टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट पेपर्स। SFM का पेपर डिस्कशन मैं IDT के पेपर के बाद SCMP और SFM दोनों का पेपर डिस्कस करूंगा, तब और डिटेल में अपन बात करते हैं। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट लॉजिक स्ट्रांग है, यू विल बी एबल टू मैनेज दिस पेपर फॉर श्योर। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इजी थे, जैसे फॉरेक्स का इजी था, आई थिंक IRRM का एक मैनेजेबल क्वेश्चन था, डेरिवेटिव्स का इजी था, सिक्योरिटाइजेशन का थियोरी आपको आना चाहिए था अच्छी तरह से, IFM का क्वेश्चन मैनेजेबल था, स्टार्टअप फाइनेंस एकदम मैनेजेबल था, म्यूचुअल फंड्स लेंदी था बट इजी था, तो ये सबसे यू विल बी एबल टू स्कोर गुड एज वेल, ठीक है। तो जितना आता है वो एकदम ढंग से लिखना चाहिए बॉस अपने को, वो आना चाहिए। मर्जर्स एंड एक्विजिशन आई थिंक मैनेजेबल था, इजी था, कुछ इतना ग्रेट नहीं था, सो दैट्स हाउ द ओवरऑल क्यूमुलेटिव अप्रोच शुड बी। मिलते हैं अस्ता ला विस्ता, ऑडिट पढ़ो अच्छी तरह से कल और परसों। आज अगर आपको लग रहा है थोड़ा टाइम है तो आप SCMP लॉ दे सकते हो थोड़ा सा टाइम, बट इज्जत से पढ़ना, और 10-12 दिन ही बचा है, इसमें अगर थोड़ा बहुत अभी मस्ती करोगे ना तो ये सही नहीं होगा, तो प्लीज 12 दिन का डिसिप्लिन है उतना दिखा के चलो, यू विल बी एबल टू क्रैक इट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। बाकी और कुछ रहेगा यू कैन शेयर योर कमेंट्स, थैंक यू सो मच। आई होप मेरा वो थियोरी वाला जो जो मैंने 15 पेज आप लोग के लिए बनाया और 1 घंटे का कल अपना रिविजन था, आई होप वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो उसके लिए एक लाइक बनता है बॉस, डेफिनेटली। टेक केयर, बाय बाय, हास्ता ला विस्ता। ओवरऑल आई एम हैप्पी विद दिस पेपर, अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा ICAI आपने ये पेपर बनाया, गुड, कीप इट अप, थैंक यू। आकाश जैन बोल रहे हैं फॉरेक्स क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैंने नहीं देखा है ओवरऑल, देख मैंने खाली ऊपर ऊपर से देखा है, मुझे मिस्टेक नहीं दिखा वो, मैं थोड़ा ढंग से अब इसको सॉल्व करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा, देखते हैं मेरा कितना पेपर अटेम्प्ट हुआ और क्या नहीं, वो सब मैं आप लोग को एग्जाम के बाद IDT के बाद मिलता हूं, ठीक है। चलो अब पढ़ाई करो और 10 प्रोफेसर्स का रिव्यूज और ये सब मत देखना, हो गया एक देख लिया, समझ लिया, आइडिया आ गया, ओके। चल अब और इसमें आगे कुछ नहीं होने वाला है, आई एम श्योर आप लोग, सब लोग को अच्छा मार्क्स आएगा, गारंटीड पास हो जाओगे, टेक केयर, थैंक यू, थैंक यू श्वेता। अगर टाइपो था तो ग्रेस नहीं मिलेगा, मुझे देखना पड़ेगा वो टाइपो था या क्या था, मैंने तो अभी तक पूरा देखा नहीं है, तो आई कैन नॉट कमेंट सो अर्ली, ठीक है। चलो बाय बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।